तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ दिल्ली मोटर्स। और आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये एक इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो ह्यूंडई ओरा का आता है, और मैं इसका आपको बताऊंगा कि इसमें कारप्ले कैसे यूज़ करते हैं और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए ह्यूंडई ओरा पे तो आप मेरे को बता सकते हैं और मैं आपको वो भी सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मेरी गाड़ी के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है इसलिए, बट मैंने गाड़ी निकाल के आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि ये है इसका म्यूज़िक इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले है। अगर आप थोड़ा धूप भी है इस टाइम पे, लाइटिंग कंडीशंस भी रात का समय नहीं है, लेकिन इसका जो टच रिस्पॉन्स है और हर चीज़ है वो बहुत ही अमेजिंग है। ह्यूंडई ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड स्पेसिफिकली जो इसके साथ ये बटन्स दे रखे हैं, ये बहुत ही काम के बटन्स हैं। कभी कभी होता है आप लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको इन बटन्स की बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं बटन्स के अलावा। ये सारे बटन बैकलिट हैं। अगर रात को आप लाइट जलाएंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, तो ये बैकलिट है और डिस्प्ले भी ऑटोमेटिकली डिम डाउन हो जाती है रात के समय में। बहुत ही अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए क्योंकि ये आँखों में रिफ्लेक्ट करता है। अदर देन दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ये वाले ये देख सकते हैं, इसमें बटन्स हैं। दिस इज़ वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन। इसको बीच में प्रेस करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा। दिस इज़ साउंड ट्रैक अप साउंड ट्रैक डाउन। यहाँ से आप वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। ये मोड है बेसिकली मल्टीपल मोड्स के लिए, जैसे मीडिया, ब्लूटूथ वगैरह, और ये मेरा बेसिकली फ़ोन उठाने के लिए और फ़ोन काटने के लिए। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग भी आती रहती है, और ये सिस्टम ये बताता है कि जब आपकी बैटरी फोन आपकी गाड़ी ऑन ना हो तो उस टाइम आप इसको ना चलाएं, तो क्योंकि ये बैटरी ड्रेन कर सकता है। अदर देन दैट आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट है, और ये पोर्ट है जहाँ से बेसिकली आपकी USB कनेक्टिविटी जाती है सिस्टम के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनली यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट भी कंपनी ने दे रखा है। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। आप अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो ये आपका फ़ोन वगैरह भी आपको हर चीज़ वो सब भी बताता है। उसके अलावा आप यहाँ से, अगर आप कारप्ले पे नहीं हैं तब ये फीचर्स चल रहे हैं, कारप्ले पे हैं तो अलग चलेंगे। उसके अलावा रेडियो है, फेवरेट्स है, वॉइस मेमोज हैं, बात कर लेते हैं DRVM है कि अगर आपको पीछे जब गाड़ी व्हीकल पार्क्ड होती है तो ये नहीं चलता है, लेकिन अगर मैं इसको ऑन करूँ क्या हैंड ब्रेक हटा दूँ तो यहाँ से कैमरा भी ऑन हो जाता है चलती गाड़ी में। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि सेटिंग्स में जाएंगे तो क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको डिवाइस कनेक्शंस दिखेंगे। सबसे पहले ये ब्लूटूथ कनेक्शंस के सारे पॉइंट हैं, ये एंड्रॉयड ऑटो के हैं, ये एप्पल कारप्ले के हैं। इसको एनेबल डिसेबल करना बहुत ज़रूरी है एप्पल कारप्ले को ऑन करने के लिए, सिमिलरली एंड्रॉयड ऑटो के लिए भी एनेबल्ड होना चाहिए। उसके अलावा एडवांस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोन प्रोजेक्शन, ब्लूटूथ ऑडियो, डिस्प्ले ऑन ऑफ, DRVM सारे फंक्शन दिख जाएंगे। स्टेयरिंग व्हील का कौन सा बटन क्या काम करता है वो दिख जाएगा। होम स्क्रीन के अंदर क्या क्या कैसी कस्टमाइजेशन है वो दिख जाएगी। मीडिया चेंज की नोटिफिकेशन आती है वो भी दिख जाएगी। और कैमरा, अगर आपको पीछे वाला कैमरा ऑन रखना है रिगार्डलेस ऑफ गियर तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनरल में, ब्लूटूथ का रिमोट लॉक है। व्हेन ब्लूटूथ रिमोट लॉक इज टर्न ऑन द सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड फ्रॉम द ब्लूटूथ डिवाइस। इसको ऑन कर देंगे तो ये फ़ोन से नहीं होगा, ये सिर्फ यहीं से कनेक्ट होगा और यहीं से इसके फीचर चलेंगे। डेट एंड टाइम का फंक्शन है, लैंग्वेज है, कीबोर्ड है, स्क्रीन सेवर है अगर आपको कोई स्क्रीन सेवर अलग से लगाना है तो, और सिस्टम गेन है। वर्जन दिखा देते हैं आपको, वर्जन और ये इसका फर्मवेयर है। अपडेट करने का भी ऑप्शन है जो कि मैंने नहीं किया है। प्लस अगर आप बात करें टच रिस्पॉन्स की तो बहुत ही अमेजिंग टच रिस्पॉन्स है, उसमें आपको कोई भी ट्रबल फील नहीं होने वाली। डिस्प्ले ऑन और डिस्प्ले ऑफ करने का भी ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद साउंड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पोजीशन दिख जाएगी, गाड़ी की आवाज़ कहाँ पे, पीछे आगे करने के ऑप्शन दिख जाएंगे। टच रिस्पॉन्स बहुत ही अमेजिंग है, सिस्टम की साउंड, सिस्टम साउंड्स दिखानी है तो वो भी दिख जाएंगी। उसके बाद आपको इक्वलाइजर भी मिल जाएगा स्पेशली बेस वगैरह सेट करने के लिए, ट्रेबल मिड सेट करने के लिए, वॉल्यूम रेशियो सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर ऑटो एलिमिनेशन, ब्राइटनेस कंट्रोल्स, ब्लू लाइट और कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स पे रीसेट करने का भी ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक यही फीचर्स हैं। टच रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग है, अगेन मैं रिइटरेट कर रहा हूँ इस बात को कि टच इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही अमेजिंग है। अब मैं इसमें आपको कारप्ले कनेक्ट करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कारप्ले कनेक्ट करने के लिए क्या क्या होना इंपॉर्टेंट है।
ये सामने मेरा फोन आ गया, ये मेरा iPhone 12 है। इस पे कारप्ले सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये कारप्ले कनेक्टेड है। अब मैं आपको अगर यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पे 3 है 1 2 3 ऑप्शंस हैं जहाँ के अंदर आप वायर फिट कर सकते हैं। तो हमेशा सेकंड वाले पोर्ट में आपको वायर लगानी है क्योंकि यहाँ से USB कनेक्शन मिलता है इसको। ये चार्जिंग के लिए है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये इम्पोर्टेंस रखनी है कि ये जो वायर है, जो भी आपकी वायर है, ये डेटा सपोर्ट करने वाली वायर होनी चाहिए, इसके अंदर डेटा कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ वायर वाली, सिर्फ चार्जिंग वाली वायर है तो ये कनेक्ट काम नहीं करेगा। ये वायर मैंने अमेजोन बेसिक्स की मंगा रखी है और ये वायर रफली अबाउट मेरे को 300-400 रुपये की पड़ी थी। अब मैं इसमें अपना फ़ोन कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कारप्ले कैसे काम करता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपल अपने फ़ोन में इस वायर को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही इंसर्ट करेंगे चार्जिंग में आ जाएगा और ऊपर यहाँ पे आपके ये दो ऑप्शंस जो कि हैं, एक कारप्ले का और एक एंड्रॉयड ऑटो का, ठीक है। ये मैंने फ़ोन को अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए बोल रहा था, फ़ोन अनलॉक होते ही, ठीक है, फ़ोन अनलॉक हो गया है और ये आ गया एप्पल कारप्ले, आपका ब्लिंक मारने लग गया। आपने जैसे ही इस पर एप्पल कारप्ले करना है, आपकी सारी एप्लीकेशंस, आपका कारप्ले चलने लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं कारप्ले कनेक्ट हो गया, कुछ भी नहीं किया मैंने। एक वायर कनेक्ट करी, एक बार मैंने बस इसको वहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम मेन मेन्यू में गए थे, होम पे गए थे। होम पे जाने के बाद अगर मैं वापस से होम पे जा सकूँ, ये हम होम पे गए थे, यहाँ पे ये फीचर एप्पल कारप्ले, ये ग्रेड आउट रहता है, देख सकते हो एंड्रॉयड ऑटो भी ग्रेड आउट है। हमने एप्पल कारप्ले पे क्लिक किया और कारप्ले पे क्लिक करते ही हमारा कारप्ले चालू हो गया। इसके अंदर आप वॉइस कमांड से फ़ोन कर सकते हो, म्यूज़िक कर सकते हो, मैप्स चला सकते हो, गूगल मैप्स, मैसेजेस कर सकते हो। ह्यूंडई की एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है, व्हाट्सएप है, टीम्स है, अगर कोई मीटिंग्स है आपकी तो गूगल मैप्स यहाँ पे भी हैं। अगर आप कोई नेविगेशन सिस्टम में कुछ नेविगेट करना चाहते हो तो वो भी चलता है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग्स है, सेटिंग में आप इसके वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो, ड्राइविंग फोकस चेंज कर सकते हो, अगर आपको फोकस करना है तो मैसेजेस को अनाउंस करना नहीं करना वो भी कर सकते हो, अपेयरेंस डार्क या लाइट कर सकते हो, ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड फिर आपको, आप यहाँ पे इस ट्रे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप गाना चेंज कर सकते हैं, स्पॉटिफाई यूज़ कर सकते हैं, स्पॉटिफाई, यूट्यूब। यूट्यूब की वीडियोस कभी भी कारप्ले पे नहीं चलती, हमेशा याद रखें, क्योंकि जो भी कंपनीज अपना अच्छा, मतलब जो भी कंपनीज आपकी सिक्योरिटी, ड्राइविंग, सेफ्टी पे ध्यान रखती हैं, वो कभी भी एप्पल कारप्ले को आपके उस पर, एप्पल कारप्ले में वीडियोज नहीं चलाने देगा, क्योंकि इससे आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है वाई योर ड्राइविंग। तो कंपनीज ये आपको अलाउ नहीं करती हैं। अगर आप देसी कोई एंड्रॉयड सिस्टम ले लेंगे तो उसके अंदर आपको ये सब फीचर भी मिल जाएंगे, ठीक है। चाइनीज़ प्रोडक्ट से बेटर होता है कंपनी का प्रोडक्ट, इसलिए हमेशा कंपनी प्रोडक्ट्स भी ही यूज़ करें। मैसेजेस पढ़ सकते हैं अगर आपके कोई मैसेजेस पड़े हुए हैं तो। और बस आई थिंक ऐसे ही आपका कारप्ले कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है, गाना चलाइए और इन्जॉय कीजिए। आप अपने यहाँ से सिरी को कमांड भी दे सकते हैं, जैसे मैं बता दूँ आपको, हे सिरी प्ले पेरिस का ट्रिप बाय यो यो हनी सिंह ऑन स्पॉटिफाई। तो अब मैंने इसको कमांड दे दिया, पेरिस का ट्रिप बाय यो यो हनी सिंह नाउ प्लेइंग ऑन स्पॉटिफाई, और इसने मेरा गाना ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। सिमिलरली आप और भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे कि हे सिरी नेविगेट मी टू कालका जी मंदिर ऑन गूगल मैप्स। ओके, Here's what I found. तो इसके बाद अब आप यहाँ पे सिलेक्शन दे दीजिए और Getting directions to Sri Kalakaji Mandir using Google Maps. और ये आपको नेविगेट भी कर देगा। आई थिंक ये इतना ही है एप्पल कारप्ले का। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आपका, अगर आपके पास ये गाड़ी है तो आपको इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा लगता है, और अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो आप इस म्यूज़िक सिस्टम के साथ आपके लिए आपकी सारी नीड्स पूरी होती हैं कि नहीं। ह्यूंडई आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक इंफोटेनमेंट सिस्टम है इस टाइम मार्केट में। ये सेम म्यूज़िक सिस्टम बड़े इसके वेन्यू वगैरह में रहता है, थोड़ा सा डिस्प्ले वगैरह का, मतलब बटन वगैरह का फीचर चेंज हो जाता है, अदर देन दैट सिस्टम वही है, सब जगह पर सेम ही सिस्टम देता है ह्यूंडई। लाइव वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी मक्का और भी कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, एंड आई विल इंश्योर दैट यू गेट योर कंटेंट रेडीली अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, हैव अ ग्रेट डे। अपनी गाड़ी धीरे चलाइए क्योंकि धीरे चलाने से आपकी गाड़ी साफ सुथरी और कम स्क्रैचेस वाली रहती है। जय हिंद, जय भारत।